हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मैनेजिंग डिमांड एंड सर्विस कैपेसिटी, कि हम मांग को और सेवाओं की क्षमता का कैसे मैनेजमेंट या प्रबंधन करते हैं। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि मैनेजिंग डिमांड और सर्विस कैपेसिटी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट है अंडरलाइनिंग इशू, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी कॉन्सेंट्रेशन, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग डिमांड पैटर्न, रैंडम डिमांड फ्लक्चुएशन, इसकी क्या स्ट्रेटजीज होती है जिससे कि हम कैपेसिटी को मैच कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटजीज है जिससे कि हम डिमांड को मैच कर सकते हैं और इसके एग्जांपल। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप सर्विस मार्केटिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। डिमांड एक पर्टिकुलर अमाउंट को बताता है इकोनॉमिक गुड्स की या सर्विसेज की, जो कि कोई भी कंज्यूमर खरीदना चाहता है, परचेस करना चाहता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग कैपेसिटी, का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने रिसोर्सेस है, लेबर फोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑफिस में स्पेस है, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री है, जिससे कि वो कितने लिमिट तक प्रोडक्शन कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटी को बताता है कि वो कितना प्रोडक्शन कर सकता है। नेक्स्ट आता है जो कैपेसिटी, यूजली बताता है कि जो कैपेसिटी है वो तो फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की बात करें तो अगर आप किसी दिन 100 बॉटल्स बना सकते हैं तो आप 100 ही बना सकते हैं, पर डिमांड फ्लक्चुएट है, किसी दिन 200 भी डिमांड हो सकती है, किसी दिन 50 भी हो सकती है या फिर किसी दिन नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है कि इनका ओवर यूज या अंडर यूज सर्विस रिजल्ट में गैप को बताता है। जो हमने गैप मॉडल पढ़ा था उसमें ये थर्ड गैप को बताता है कि फेलियर टू डिलीवर व्हाट वी डिजाइन एंड प्लान, मतलब हमने क्या प्लान किया, जो डिजाइन किया वो हम डिलीवर करने में फेल हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या इश्यूज आते हैं इसमें जिसकी वजह से हम इनको मीट नहीं कर पा रहे। तो फर्स्ट है लेक ऑफ इन्वेंट्री कैपेसिटी, कि जो भी हमारी इन्वेंट्री की कैपेसिटी है बहुत कम है, हम सर्विसेज प्रॉपर नहीं दे पा रहे। तो फ्लक्चुएशन हो सकता है कि डिमांड बढ़ गई है, जितनी आपकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा डिमांड हो गई है। जैसे कि पार्लर या फिर सैलून्स की बात की जाए तो इनका जब वेडिंग सीजन होता है तब इनकी डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है एक्सेस कैपेसिटी, कि कभी आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा और उतनी डिमांड ही नहीं है, मतलब आपने 10-15 लोगों को लगा रखा है, जब ऑफ सीजन रहता है तब आपके पास कोई भी नहीं आएगा और आपका ऑलरेडी कॉस्ट इंक्रीज होगी, ना कि आप उसमें प्रॉफिट में जाएंगे। नेक्स्ट आता है डिमांड एक्सिस्ट ऑप्टिमम कैपेसिटी, कि यहाँ पे आपको देखना है कि जो आपकी डिमांड है वो आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है डिमांड एंड सप्लायर बैलेंस एट द लेवल ऑफ ऑप्टिमम कैपेसिटी, कि हम डिमांड और सप्लाई को मैच करना चाहते हैं जो भी हमारी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो हम इसमें स्टाफ को देखते हैं, फैसिलिटी को देखते हैं और उनके आइडियल लेवल को देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम समझे कि क्या कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है कैपेसिटी के लिए। तो फर्स्ट है टाइम, आपके पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए, मेडिकल, लीगल, अकाउंटिंग, कंसल्टेंसीज। सेकेंड आता है लेबर, इसमें आता है आपका मेडिकल फर्म, लीगल फर्म, अकाउंटिंग फर्म, कंसल्टिंग फर्म और हेल्थ क्लिनिक, मतलब आपके पास प्रॉपर एम्प्लॉयज या लेबर्स होने चाहिए काम करने के लिए। सेकेंड आता है इक्विपमेंट्स, कि आपके पास सारे रिसोर्सेज, टूल्स, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जिसमें कि आपका कोरियर सर्विस, ट्रेवल सर्विस, हेल्थ क्लब, नेटवर्क सर्विस, मतलब आपके पास इतने डिलीवरी का सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जितनी डिमांड हो उसको पूरा कर सकें। नेक्स्ट आता है फैसिलिटीज, इसमें आपका आता है हॉस्पिटल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयरलाइंस, स्कूल्स और थिएटर्स। तो ये सारी आपकी कैपेसिटी को बताता है कि इनमें आपके पास कैपेसिटी लिमिटेड होती है और डिमांड कम ज़्यादा होती रहती है। नेक्स्ट आता है कि हम समझते हैं कि डिमांड का क्या पैटर्न है। तो फर्स्ट आता है चार्टिंग डिमांड पैटर्न, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर वो देखते हैं कि कस्टमर इन्फॉर्मेशन सिस्टम को हम देखें, चार्टिंग डिमांड को देखें, उनके रिलेवेंट पीरियड को देखें। मतलब आप यहाँ पे सीजनलिटी पे ये ग्राफ नहीं बताता, पर ये इनके पूरे डेटा पास रिकॉर्ड कंप्यूटर्स में होते हैं उसके बेसिस पे ये बताता है कि डिमांड कितनी फ्लक्चुएट हो रही है और डिमांड का पैटर्न क्या है। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टेबल साइकिल, ये बहुत सारे फैक्टर्स से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टूरिज्म सर्विसेज, तो इसमें आप देखते हैं कि जब हॉलीडे या वीकेंड डे रहते हैं तब इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप यहाँ पे प्रिडिक्टेबल साइकिल को देखते हैं, पर्टिकुलर किस सर्विस का किस टाइम पे सीजन आता है उस टाइम पे उसकी डिमांड बहुत हाई होगी। नेक्स्ट आता है रैंडम डिमांड फ्लक्चुएशन, की रैंडमली भी डिमांड कैसे कम ज्यादा होती है। फर्स्ट आप देखते हैं रैंडम वेरिएशन इन डिमांड आर देयर इज एवरी काइंड ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे आप प्रिडिक्टेबल साइकिल को नहीं देखते। फॉर एग्जांपल जैसे मेडिकल सर्विस फैसिलिटी, नेचुरल क्लाइमेट,
तो यहाँ पे कभी भी रैंडमली डिमांड कम ज्यादा होती रहती है। नेक्स्ट आता है डिमांड पैटर्न बाय मार्केट सेगमेंटेशन, कि जो भी आपका मार्केट सेगमेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग भी आपका डिमांड पैटर्न चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक, तो उसमें कॉमर्शियल अकाउंट वाले डेली विजिट करते हैं, पर्सनल अकाउंट होल्डर रैंडमली या कुछ इंटरवल के बाद विजिट करते हैं, तो उनकी डिमांड डिफरेंट होती है डिफरेंट सेगमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है कि क्या स्ट्रेटजीज है ताकि हम कैपेसिटीज को मैच कर सके। तो फर्स्ट है शिफ्टिंग डिमांड टू मैच कैपेसिटी व्हेन द डिमांड इज टू हाई। जब डिमांड बहुत ज्यादा है तो हम कैसे कैपेसिटी को उस डिमांड से मैच कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है कि जो हमारे बिजी आवर्स रहते हैं, मतलब बिजी टाइम रहता है, उस टाइम पे भी हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करें। सेकेंड आता है ऑफर करते हैं हम इंसेंटिव्स लोगों को, जो भी नॉन पीक यूजर्स है उनको भी हम और यूजर्स बना सके। फोकस करते हैं कि कौन से हमारे लॉयल कस्टमर है, हम उनका ध्यान रखें। कम्युनिकेशन का एडवांटेज देते हैं जब हमारा कोई यूज नहीं हो रहा है, कम यूज हो रहा है नॉन पीक टाइम पे, ताकि लोग हमसे कम्युनिकेट कर सकें। हम कुछ भी ऑफर डिस्काउंट नहीं देते हैं जब हमारी डिमांड ज्यादा होगी, तो हम कैपेसिटी को मैच करने के लिए कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो उस टाइम पे हम किसी भी चीज को कम प्राइस में नहीं बेचेंगे। सेकेंड आता है व्हेन द डिमांड इज टू लो, जब डिमांड बहुत कम होती है तो क्या करते हैं हम अट्रैक्ट करते हैं करेंट मार्केट सेगमेंट को, कि हम फोकस करें सेल्स पे एडवर्टाइजिंग पे, अट्रैक्ट करते हैं नए सेगमेंट को कि हम प्रमोशनल स्कीम्स को चलाएं, ऑफर डिस्काउंट देते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, मॉडिफाई करते हैं आपके ऑपरेशंस के आवर्स में कि हम उनको बढ़ा सकें। मतलब हम कितना ज्यादा सेल्स को बढ़ा सकते हैं ताकि हम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिमांड को क्रिएट कर सकें या फिर प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सेल कर सकें। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजी फॉर मैचिंग डिमांड, कि हम क्या स्ट्रेटजीज बनाते हैं डिमांड को मैच करने के लिए। फर्स्ट है एडजस्टिंग कैपेसिटी टू मैच डिमांड व्हेन द डिमांड इज टू हाई। हमको कैपेसिटी को मैच करना जब डिमांड बहुत हाई है, तो इसके लिए हमको ज्यादा टाइम तक काम करना होगा, लेबर्स को, फैसिलिटी को, इक्विपमेंट को, इन सारी चीजों को बढ़ाना होगा। सेकेंड आता है हमको एम्प्लॉयज को ट्रेन करना होगा मल्टीपल स्किल्स के लिए। फिर नेक्स्ट आता है हायर करना होगा पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को, पे करना होगा एम्प्लॉयज को अगर वो ओवर टाइम काम करते हैं तो, रेंट की फैसिलिटी और इक्विपमेंट्स देना होगा, आउटसोर्स की एक्टिविटीज प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट आता है कि क्या स्ट्रेटजीज होती है डिमांड को मैच करने की जबकि डिमांड लो है। तो हमको मेंटेनेंस को कम करना होगा, रिपेयर रिनोवेशन पे ध्यान देना होगा, ट्रेनिंग कंडक्ट करनी होगी एम्प्लॉयज के लिए, लीव्स देना होगा एम्प्लॉयज को, रिट्रेचमेंट करना होगा एम्प्लॉयज का, मतलब एम्प्लॉयज को हटाना होगा। आपको लगता है कि अगर आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं डिमांड कम है, तो आपको लोगों को कम करना होगा, कॉस्ट कट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल एयरलाइंस जो कि देखते हैं उनके प्लान को, उनकी सीटिंग को, कि हम कैसे डिमांड को मैच कर सकते हैं डिफरेंट मार्केट सेगमेंट की। हो सकता है कि किसी प्लेन में फर्स्ट क्लास का सेक्शन नहीं होता होगा क्योंकि उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, और किसी प्लेन में हो सकता है कि उसकी ज्यादा डिमांड है, तो प्रपोर्शन में उसके लिए आप कुछ सीटें फर्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। तो ये बताता है कि कहीं पे आपको देखने की कितनी आपकी कैपेसिटी, अगर बड़ा प्लेन है तो आप रख सकते हैं, छोटा है तो आप फिर नहीं रखते हैं, आपको लगता है आप फर्स्ट क्लास को ना रखते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी उसको फुलफिल कर सके। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा मैनेजिंग डिमांड एंड सर्विस कैपेसिटी, कि कैसे हम डिमांड को मैनेज कर सकते हैं, सर्विस की कैपेसिटी को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।